दिसंबर महीने के पहले दिन ही आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,31,526 करोड़ रुपए रहा है। वार्षिक आधार पर नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन में 25% की वृद्धि हुई है। इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान जीडीपी में बेहतरीन 8.4% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। दरअसल देश में जीएसटी लागू होने के बाद निरंतर 2 महीने अक्टूबर के बाद नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। अक्टूबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,30,127 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। जीएसटी के इतिहास में सर्वाधिक अप्रैल 2021 में रिकॉर्ड 1.41 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ था। बता दें कि नवंबर के कुल 1,31,526 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी 23,978 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 66,815 करोड़ रुपए और उपकर शामिल हैं। दरअसल अक्टूबर और नवंबर में त्योहारी सीजन के दौरान कारोबार में तेजी के चलते जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि देखने को मिल रही है। इससे पहले सितंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1.17 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1.12 लाख करोड़ रुपए था, जबकि जुलाई 2021 में ये 1.16 लाख करोड़ रुपए रहा था। इससे पहले जून के महीने में जीएसटी संग्रह 92,849 करोड़ रुपए ही रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।